जनपद संभल के चंदौसी में जल निगम द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन पर नगर निगम परिषद का वार्ड मेंबर ने सवाल खड़े किए। जनपद संभल के चंदौसी में जल निगम नगर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछा रहा है, जिस पर नगर पालिका परिषद के ही सदस्य विमल कुमार और पप्पू चौधरी ने सवाल खड़े किए और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और जल निगम द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन पर उनके द्वारा पाइप डालने के बाद सड़क की जो रिपेयरिंग की जा रही है उसको देखा, जिस पर भी वार्ड मेंबर और वहां के स्थानीय निवासियों के सवाल उठाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी राजकुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध से पहले भी जल निगम के अधिकारियों को पत्र लिख चुने और पुनः उनको पत्र लिखेंगे, इस समस्या का समाधान करने के लिए कहेंगे। ये आपने जो सबको बुलाया और आप दिखा रहे हैं सड़क की, ये जो है जल निगम जो है सड़क बिछा रहा है, मैंने ये साहब को बुला के पूछा ये मरम्मत कार्य कौन करेगा, हमारी नगर पालिका कर रही है, कौन कर रहा है? तो ये साहब ने ये बताया कि ये जल निगम का वो है और जो इसमें पाइपलाइन जो पड़ी हुई है वो इतनी बेकार है, अभी आप खुलवा लो, उन्हें बुलवा लो, जेई साहब कह रहे हैं मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, रोज फोन कर करते थक गए कि एक सेकंड भी नहीं रुकेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि नगर पालिका रोज मरम्मत ही करती फिरेगी, रोज सड़कें खोदती फिरेगी। और इन्होंने जो सड़कें जो खोदी हैं और इन्होंने यथा ऐसे ही ईटें रख कर 100-100 रुपए के मजदूर लगाकर ऐसे रखकर ये लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर रहे हैं जल निगम वाले। और क्या हुआ था, किसी बच्ची की चोट भी लगी थी? हाँ, एक बच्ची थी हमारे पंडित जी हैं, वो ये ठोकर आप देखें, ये तीन तीन इंची उठी हुई सड़कें हैं जो मरम्मत कार्य में, उससे बच्चा ठोकर खा गिरा, उसका पूरा पैर फट गया, ताकि आए उसकी तबीयत खराब है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर पालिका लेगी या जल निगम लेगा या डीएम साहब लेंगे या योगी जी लेंगे या मोदी जी लेंगे, कौन लेगा जो और आगे घटना घटेगी? ठीक सर, आप मारवाड़ी मोहल्ले में आए, आपने यहाँ सड़कों पर कुछ लोगों ने शिकायत की है, तो आपने देखा क्या इसमें कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हमारे मेंबर साहब ने फोन किया कि जरा मेरे यहाँ जो रिपेयरिंग का हो रहा है उसे आप एक बार निरीक्षण कर लें, तो मैं सुबह ही आके ये देख रहा था। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने एक्सएम जल निगम साहब को लेटर भी लिखा है कि रिपेयरिंग का कार्य अच्छा नहीं दिख रहा। दूसरा ये है, अभी दीपावली को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो अब आगे का कहीं तोड़े ना, सड़कें ना तोड़े, और पहले जितना आपने किया है उतना आप रिपेयर करके अच्छा कर दें, क्योंकि आम जनता में भी माहौल थोड़ा सा खराब जा रहा है और नगर पालिका की छवि से खराब। जैसे अभी आपने कहा कि सड़कों में जो मरम्मत का कार्य हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? मेरी तरफ से तो एक तो जल निगम को मैं आज ही लेकर लिखूंगा कि इसकी गुणवत्ता जो है बेहतर नहीं है और इसको ठीक कराने का काम करें। दूसरा ये है, मैं एक चीज़ ये भी सोच रहा हूँ कि ये रोड जो डाली गई है अगर ये पूरी निकाल के एक लाइन से सही से कर देते तो कम से कम यहाँ काफ़ी अच्छा हो जाता। तीसरा, मैं पहले भी मेरी बात हुई थी कि जहाँ भी आप रोड डालेंगे वहाँ एक फ्लैक्सी या कुछ लगा के वहाँ ठेकेदार का मोबाइल नंबर लिख देंगे, जिससे यहाँ के लोग डायरेक्टली उनसे बात कर सकें और मेंबर साहब के संज्ञान में रहे कौन काम।